नमस्कार दोस्तों, तृप्ति रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही कम समय में बनने वाले टेस्टी और हेल्दी सूजी का इडली, जिसे रवा इडली भी कहते हैं, बताने जा रही हूँ। तो आइए झटपट बनाते हैं रवा इडली। रवा इडली बनाने के लिए सामग्री, सूजी लेंगे 2 कप, दही 1 कप, बेसन 2 चम्मच, हरा मिर्च एक बारीक कटा हुआ, एक गाजर लेंगे, उसे कद्दूकस कर लूँ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अदरक भी एक टुकड़ा लूँ, उसे भी बारीक कट करके मैंने पहले ही रख ली हूँ, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें सूजी, इसमें अब हम बेसन डालेंगे और धीरे धीरे सारे सामग्री को डालती रहूँगी। उसके बाद घोल अच्छे से तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं मेरा घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो इसमें हमने इसलिए इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और मेरा घोल तैयार है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। पैन लेंगे और उसमें घी या तेल अच्छे से लगा लेंगे कि ताकि मेरा घोल चिपके नहीं और इडली अच्छे से निकालते टाइम आसानी हो। अब सभी इडलिया स्टैंड में हम घोल डाल लेंगे। इडलिया स्टैंड अब बिल्कुल तैयार है पकने के लिए। अब एक कुकर लेंगे, कुकर में 1 गिलास पानी डाल लेंगे और उसे अच्छे से खौला लेंगे। खौलने के बाद उसमें इडलिया स्टैंड को रख देंगे और उसे अच्छे से पकाएं। इडली बिल्कुल पककर तैयार है, इसे एक चाकू के सहायता से अच्छे से निकाल लूँगी। मेरा इडली बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे आप चटनी या सांभर के साथ खा सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना न भूलें।